भाई क्या भागती कर तो। अरे मैं हिल गया। मोटो ब्लॉग नहीं करूंगा यार, मतलब ना मतलब बिल्कुल वो नहीं है यार, मतलब करता हूँ मोटो ब्लॉग यार कहीं पे कुछ हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है यार। गाइस इस ब्लॉग को यार मैं रखता हूँ यार, मोटो ब्लॉग मुश्किल ही कर पाऊंगा गाइस आगे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू माई चैनल। हो गाइज सब अच्छे होंगे और अच्छी चाहिए गाइज। तो गाइज आज की जो ब्लॉग है ना गाइज बहुत खतरनाक और नेक्स्ट लेवल होने वाली है, बिकॉज गाइज आज आशीष है नहीं हमारे साथ, वो पौड़ी जा रहा है। तो भाई देखो तुम्हारे लिए ब्लॉग लाने भाई, ऐसा तो नहीं कि आशीष नहीं होगा तो हम ब्लॉग नहीं बनाएंगे, बनाएंगे गाइज। वो थोड़ा बिजी है अपने घर के कामों में, ठीक है। और गाइज मैं सबसे बड़ी झेल ये करती भाई, मेरा इतना गंदा दिल टूटा कल उसमें भाई, मैंने उसको इतना मना करने के बाद भी ना भाई उसको बोला, मैंने कहा जस्ट रिमूव मत करना भाई, जब तो पौड़ी से आ जाएगा उसके बाद कर देना किसी की गाड़ी ले जा, बट भाई वो रिमूव करके ही चले गए एग्जॉस्ट यार, मतलब इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना। तो यार उस वजह से भाई मैंने कहा बेटे और पता तुम्हारे गाइस ब्लॉग लाने भी बहुत जरूरी है, दो तीन दिन हो गए, चार पाँच दिन हो गए मे भी ब्लॉग वगैरह नहीं डाला। तो गाइस उधर मैंने अपनी बाइक कोल्ड स्टार्ट कर रखी है और अभी पता मेरी गाड़ी में देख रहा हूँ मकड़ा भी घूम रहा था, ये देख रहा मकड़ा कैसे जा रहा है बैंकर। तो गाइस अपनी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट हो रही है, तो गाइस निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। और मैं सोच रहा हूँ कि गाइस अपनी गाड़ी में आज ना जो भाई से नाम वगैरह लिखवा दूँ, देखते हैं उसका क्या सीन होता है, अगर लिखाऊंगा तो लिखाऊंगा, नहीं लिखाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर फिलहाल के लिए गाइस मेरा आज पता है राइड करने का बहुत मन है, क्योंकि यार मूड ना पता अपना इतना गंदा खराब हो रहा है ना, कसम से क्या ही बोले। तो गाइस सीधा मिलता है आपको ब्लॉग स्टार्टिंग के साथ पहली बिली। अबे ओए क्या हुआ ये, अरे यार गाइस मैं भैया की चाबी नहीं लाया यार इनसे, कल को मैंने टेल टाइडी लगाई थी ना गाइस अपनी, तो इनकी वो ही नहीं लाया मैं तो गाइस। अरे ये क्या हुआ। तो गाइज आज की जो ब्लॉग है गाइज मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है गाइज, पता है इन दो तीन दिनों में जो प्रॉब्लम्स थी ना माँ की कसम यार, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मेरा ऐसा हो रहा ना पता मन ही नहीं कर रहा था यार ब्लॉग बनाने का, बट गाइज क्या करें यार, मेरे को ब्लॉग भी लाने हैं यार, ब्लॉग यहाँ भी ध्यान देना है, ठीक है। और सही में गाइज कुछ भी बोल रहा, मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है गाइज, बहुत ही ज़्यादा यार, मतलब कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, सोच रहा हूँ कि ब्लॉग करूँगा बट जाऊँ काम है मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट हो रखा हूँ यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो भाई। तो गाइस इसलिए मैं कुछ आज क्या बोलूँ यार, मतलब कोई कंटेंट ही नहीं है भाई, मूड बहुत ज़्यादा वो है यार, अपसेट हो रखा है। तो गाइस फिलहाल के लिए मैं सिर्फ गाड़ी भगा रहा हूँ, क्या बोलूँ यार मम्मी। एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है, पता कल भी बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ, ओ माय गॉड क्या हुआ ज्योति, कैसे क्या हुआ है, चक्कर आ रहे हैं। चलो गाइस नॉर्मल है भाई, गोप्रो में कुछ समझ नहीं आ रहा, बार बार ऑफ हो जा रहा है यार। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं भाई, जहाँ तक जाया जाएगा गाइस उधर तक ही जाएंगे, ठीक है। और पता है गाइस, अबे यार मतलब मेरे को तो हंसी आ रही यार, मतलब क्या सीन हो गया भाई, आशीष को बोला भी था मैंने कल भाई अपनी ड्यूक मत ले जा, क्योंकि गाइस उसकी गाड़ी में थोड़ी देखो बाहर से दिखने में लगती है साइड पर अंदर से थोड़ी मोटी प्रॉब्लम है, बेरिंग होता है ना टायर का बैरिंग, वो बैरिंग टूट गया भाई, मतलब वो टूटा नहीं था, कोड़वार तक ठीक था उसका बैरिंग, हाँ वो भाई उसने सतपुली क्रॉस किया कल को शाम को निकला हुआ, ऐसे 3-4 बजे टाइम पर निकला हुआ यहाँ से ना, मतलब पौड़ी के लिए भाई, इसका बैरिंग बोल गया भाई, अब बोल रहा है कि भयंकर अंदर में भाई बोल 10 की 5 की भयंकर स्पीड में ले गए बोल गाड़ी को अगरोड़ा तक, मतलब अगरोड़ा गए थे ना पौड़ी, मतलब भाई मैंने कहा भाई अब कैसे करके आएगा कोर्टदार बताओ, अब आएगा ऐसे आराम आराम से, अरे वहाँ पौड़ी में तो भाई गाइस मुश्किल ही मिलेगी भाई बैरिंग वगैरह, अब ऐसे आराम आराम से आएगा तो काम चल जाएगा बंदे का, मैंने बोला भी था उसको, बट नहीं भाई जिद किसको करनी है भाई, अब पछता तो रहा होगा, बोल तो रहा होगा भयंकर मेरे योग में दावल, मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा इसलिए बोलते हैं बड़ों की बात मान लेनी चाहिए बेटा। अरे बाप रे धुआं, सब ठीक है, ओ भाई क्या भागती कर तो, अरे मैं हिल गया।
साइड पुलिस वालों की गाड़ी जा रही है तो हे भगवान क्या हो रहा है यार। अरे पुलिस उत्तराखंड सरकार देख के थोड़ा सा यार रिस्पेक्ट करता हूँ मैं यार, अदरवाइज तो मैं बुलेरो को तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं पीछे, बट खैर कोई दिक्कत नहीं है जी, बस तुसी राइड इंजॉय करो भाई। भी बोलो गाइस ये जो दुगड्डा वाला हाईवे ना, मैं बहुत सच्ची बोल रहा हूँ, पता है ये राइड करने के लिए इतना सेफ है ना, मतलब चौड़ी भी है इधर कहाँ रहा, और बैंड मतलब इसकी जो कट है ना वो भी बहुत चौड़े हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम मतलब दो तीन दिन दो गाड़ी एक साथ ही निकल पाएंगी, बहुत प्यारी है भाई, बट लेकिन ये थोड़ा सेफ्टी से चलोगे ना तो गाड़ी आराम से तुम भाई कट कर पाओगे, मुझे बहुत बेस्ट लगता है पता है इधर राइडिंग के लिए। मैं इधर आज गाइस मैं इधर तभी जाके आया हूँ पता है, क्योंकि ये रोड इतनी प्यारी है ना, ये देख लो कितनी प्यारी कट रही है। एक तो मेरा लीनिंग में ना गाइस ज्यादा हाथ साफ नहीं है, इसलिए भाई मैं ज्यादा लेट आ भी नहीं रहा हूँ, मैं लेट आने के लिए लेटा दूंगा, पता चल रहा मैं तो खुद ही लेटा हुआ भाई यहाँ पे रोड पे। क्या हो गया? अच्छा पुलिस की गाड़ियाँ हैं ये, अहो भाई चेकिंग हो रही भाई पुलिस वालों के लिए फुल, मतलब उनके लिए मैक्स वालों के लिए गाड़ी रोकी जा रही भाई मैक्स वाले, मेरे को अब डर लग रहा है पता है भाई साहब, पता मेरी गाड़ी का सारे ओके पता है, टेल टायर भी लगवा रही है बट क्या नहीं है अपने पास, क्या नहीं है भाई कागज घर पे छोड़ रखे यार। अरे यार तेरी क्या मुसीबत है यार मेरे साथ, क्या मुसीबत है यार, मुसीबत ही मुसीबत है यार। ओ भाई क्या काटते हुए निकल रही यार ये 300 रुपये सबको, जब चर्च ओ भाई क्या ही मोर है यार, अबे भाई साहब सीरियसली यार बहुत प्यारी चल रही भाई, मतलब भले इसको तो मन करता है भाई खींचो चलाओ, एक सौ 32 ओ भाई। तो गाइस पहुंच चुके हैं भाई फाइनली दुगड्डा पहुंच के भी एक अलग ही वो आ रही यार फीलिंग। ओए यार गाइस सीरियसली यार, ओए यार सही में यार गाइस मेरे पता किसी को ये मतलब ये इंटेंशन नहीं रहता कि मैं डराऊं वगैरह वगैरह यार, पर गाड़ी खींचते टाइम ना सीरियसली यार, अबे यार बहुत गंदा लगा यार, सॉरी यार। तो गाइस ये वाली जो रोड जा रही है ना ये वाली गाइस मेरी नानी के गांव के लिए जा रही है, और जो अपना पापा जी का घर है मतलब अपना मेन गांव, तो वहां तो खैर मैं जाता नहीं हूँ मतलब भी नहीं है, तो गाइस ये उधर ही कोई जा रही है रोड, मतलब यहाँ से तुम नीलकंठ वगैरह सारा निकल सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ से गाड़ी घुमा रहा हूँ यार वापिस को, अभी एक बार जरा मारता हूँ ऊपर के लिए, वैसे लगनी नहीं वाली क्योंकि मुझसे कभी कभार इतनी भयंकर लग जाती है ना कि मतलब अच्छी वाली पॉप हो जाती है। वाह देखो लग गई भाई, मैंने बोला था ना कभी कभार लग जाती है जब ज्यादा वो हो जाती है ना मतलब घबराहट टाइप की, तो तब तो मुश्किल ही लगती है भाई, एक बार लग जाती है कभी कभार नहीं लगती यार, यही तो सीन है मेरे साथ, मेरे को एक बार इसकी भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, विल्ली स्टॉपिंग की भाई कसम से नेक्स्ट लेवल सीखनी है भाई। तो गाइस अभी घर को निकलते हैं भाई, होप गाइस आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा यार, गाइस बस इतना ही था आज के लिए बनाने के लिए, कंटेंट बहुत सारे बट लेकिन गाइस मेरा मूड नहीं है पता, बस मेरा इतना था कि कोटद्वार से घूम के आऊँ मतलब कोटद्वार से बाहर घूम के आऊँ, बस इसी चीज का मूड था मेरा थोड़ा आज। ओहो रुक जा आराम से उठाना गाड़ी, रुक जा क
कलर दबा। सो सॉरी यार भैया, सो सॉरी भैया, सो सॉरी यार। अरे पता, मतलब पांच गियर में थी वो, वहां से खट इसको डाउन कर। गाइस वहाँ पे अभी जो सीन हुआ था ना गाइस, बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल हुआ था। मतलब बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था कि मतलब इतना भयंकर सीन होगा। मेरे तो क्या बोले यार, मेरी भी लगी हुई यार थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं लगी है बट लेकिन यार पूरा फटा जैसा हो रखा है। और इस वाले पैर पे भी हल्का सल्का हो रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऐसा हो गया सीन वहाँ पे कि मतलब गाड़ी में कहीं नहीं लगा यार, बस हल्की सी गाड़ी से थोड़ा सा स्क्रैचेस पड़ी हुई है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा नहीं है बट गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है, मतलब बाकी गाड़ी पूरी ओके। मतलब बहुत खतरनाक हुआ था यार, मतलब मेरा गाइस अभी ब्लॉग करने का बिल्कुल वो नहीं है, मतलब मन नहीं है, बहुत मूड ऑफ हो रखा है यार। पहले भी मतलब जिस टाइम पर ब्लॉग कर रहा था ना, मैं आपको बोल रहा था कि मेरा काफ़ी ज़्यादा मूड ऑफ हो रखा है, और अभी भी मैं सही बोलूँ ना आपको, मतलब सीरियसली ब्रो, मतलब बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो रखा है। तो गाइस मैं इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँगा यार, अभी मैं सीधा घर जा रहा हूँ। पता मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट हो रखो यार। पता है साथ वाले ने गाइस पट्टी की, इतना थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह इसको निकाल रहा हूँ यार, नहीं तो मम्मा ना बहुत ज़्यादा वो करेगी सपना कि कहाँ लगी यार, क्योंकि फिर मम्मी बोलेगी, मम्मा बोलेगी पट्टी वगैरह कहाँ से लगवाई। तो यार बहुत दर्द हो रहा है यार सही में यार। घर पे पता है यार गाइस आज निकर नहीं पहनूंगा, पता पैंट ही पहनना पड़ेगा यार, ये तो मम्मी बहुत ज़्यादा पता है यार, बिल्कुल मन नहीं है गाइस मेरा मोटो ब्लॉग करने का यार। अब यार जब भी कुछ गाइस अच्छा करने का सोचता हूँ ना, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है पता। जब उस टाइम तो खैर मेरा गाइस ऐसे मोटो ब्लॉग का कुछ मतलब मोटिव था नहीं, मतलब करता नहीं था। जिस टाइम मैंने पाची ली थी समथिंग ढाई साल पहले ना, उसमें भी गाइस मतलब नई गाड़ी ली थी, नई गाड़ी में भयंकर 15-20 दिन में इतना भयंकर क्रैश हुआ था ना, क्या ही बोलूँ। मतलब वो तो खैर घर वालों को खैर पता भी नहीं, मुझे ही पता है। उस टाइम मैं मतलब ये ब्लॉगिंग वगैरह करता भी नहीं था, मोटो ब्लॉग तो आपको दिखाऊँ भी कैसे, ठीक है। अब ये वाली गाड़ी लिए कुछ अच्छा ही सोच के लिए कि चल अच्छा करूँगा, कुछ अच्छा करूँगा अपने के लिए, घर वालों के लिए। बट यार मतलब क्रैश क्रैश क्रैश, मतलब यार आज बिल्कुल नहीं सोचा था यार, मतलब ऐसा हो गया, मतलब क्या, मतलब जब ठुकाने मतलब रोना आता है यार, मतलब क्या होता है यार, मतलब मेरे साथ कुछ अच्छा करने की सोचता हूँ यार, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता ना कि मतलब क्या बोलो यार। और पता अभी देख सकता था, मतलब पैर पे ऐसा हो रहा है, कमर पे लगी हुई पता नहीं कहाँ, मैं तो ध्यान भी नहीं दिया यार। बस ऐसा है कि अभी बेड में लेटा हुआ था ना, अभी उठाना इतना गंदा दर्द हो रहा ना, मतलब क्या बोलो यार। मतलब यार गाड़ी से सही में जो प्यार करता हूँ ना, मतलब मैं भाई अभी गाड़ी मैंने देखी भी नहीं यार, कहाँ लगा हुआ है कहाँ नहीं लगा हुआ, बस खड़ी कर रही है, कपड़ा डाल रखा है उसमें, बाकी कुछ नहीं कर रहा यार। पैर कसम से यार इतना चटक मार रहा है, मतलब बहुत दर्द हो रहा है यार। गाइस मैं सोच रहा हूँ पता, मैं मोटो ब्लॉग नहीं करूँगा यार, मतलब ना मतलब बिल्कुल वो नहीं है यार, मतलब करता हूँ मोटो ब्लॉग यार कहीं पे कुछ हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है यार। गाइस इस ब्लॉग को यार मैं रखते यार, मोटो ब्लॉग मुश्किल ही कर पाऊंगा गाइस आगे। अब रो ही गए।